गर्ल्स में आज आपको क्लास 12th का होम साइंस का सुखाने के उपकरण और प्रक्रिया इनकी ड्राइंग इक्विपमेंट और उसकी प्रोसेस की जो है टॉपिक करवाने जा रही हूँ। आज मैं आपके सामने चार टॉपिक्स कवर करूँगी। पहला है आपका व्यापारिक तथा संस्थागत स्तरों पर, कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल पे क्या ड्राइंग इक्विपमेंट्स होते हैं और प्रेसिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, इसमें आप इस्त्री करना और गर्म प्रेस करना धोबी, और नेक्स्ट है आपका ड्राई क्लीनर्स, ये आ जाएगा। इसमें पहला जो है आपका कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो है आप ड्रायर, अगर देखोगे कपड़े सुखाते हो आप लोग तो घर पे कहते हैं कि बाहर आपने कपड़े डाल दिए, धूप में कपड़े सूख जाते हैं। ये जैसे कि आजकल अब जैसे कि थोड़ी सर्दियाँ आ रही हैं तो आपके जो कपड़े हैं थोड़ा सा नमी होती है बट देर रात तक सूख जाते हैं, चाहे धूप हो या ना, ऐसी बाहर हवा में हल्की हल्की। दूसरा है जो कमर्शियल लेवल होता है, यानी कि जो व्यापारिक स्तर पे जो ड्रायर्स यूज होते हैं, प्रॉपर ड्रायर आते हैं जिसमें आप कपड़े डालते हो तो आपके सूखे हुए कपड़े बाहर निकलते हैं। इसमें जो है आपके दो चरण होते हैं, पहला और दूसरा। पहले में क्या होता है कि शुष्क में कमरे की हवा मशीन के सामने के पैनल के नीचे प्रवेश करके ऊष्मा का स्रोत के ऊपर से प्रवाहित होती है, जिसे वस्त्रों में होती जो है वस्त्रों में से होती हुई वो हवा निकास नली पे से बाहर चली जाती है। इसमें क्या होता है जो टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो होती है वो बन जाती है। नेक्स्ट है आपकी दूसरा, जब वायु शुष्क में प्रवेश करती है और ऊष्मा के स्रोतों के ऊपर से गुजरती है तो उसमें शुष्क शेष परिस्थित छिद्रों के माध्यम से एक छोटे से पंखे द्वारा खींच लिया जाता है और वो नली में से बाहर निकल जाती है। तो ऐसे में जो एनवायरनमेंट होता है वो हाई ह्यूमिडिटी कंटेंट हो जाता है और जिससे जो आपका कपड़ा होता है वो सूख जाता है। ठीक है, तो ये दो तरीके से जो है आपकी जो होता है ड्राई होता है। अगर आप इसको एक बार और ध्यान से पढ़ोगे तो आप इसकी लैंग्वेज समझ में आएगी। इसमें जस्ट प्रोसेस बताई हुई है कि कैसे ड्रायर के अंदर जाती है और कैसे वो घूमता है और कैसे हवा बाहर निकलती है और कैसे कपड़ा सूखता है। नेक्स्ट है इस्त्री करना। आपके घर में भी प्रेस यूज होती होगी, प्रेस कई तरीके की होती है। आप जाते हो अगर आपने बॉक्स के ऊपर पड़ा हो, लाइट वेट, स्टीम, ठीक है, कई सारे शब्द होते हैं। आपने दूसरी प्रेस भी देखी होगी जो कि क्या कहते हैं धोबियों द्वारा यूज करी जाती है, वो प्रेस कुछ इस तरीके से होती है, काफी भारी प्रेस होती है इस तरीके से कुछ। अगर आप इसको उठाओ तो इसका वेट काफी होता है। एक नॉर्मल प्रेस का जो वजन होता है 1.5 किलो से लेकर 3.5 किलो तक होता है। जनरली जो आप लोग घर में प्रेस यूज करते हो वो आप दो, एक तो लाइट वेट और ये क्या स्टीम प्रेस यूज करते हो। स्टीम प्रेस में क्या होता है कि यहाँ पे छिद्र बने होते हैं, यहाँ पे आप जो है अंदर पानी भरते हो, यहाँ से क्या होता है एक आपका बटन होता है, जब आप स्टीम पे लेके जाते हो तो यहाँ से जो होती है स्टीम निकलती है। ठीक है, ये स्टीम क्या हेल्प करती है, आपके जो कपड़े होते हैं उसमें स्टीम क्रिएट होती है जिससे कि आपकी क्रीजेज जो है कपड़ों में से हट जाती हैं। प्रेस का मेन यूज क्या है कि सिलवटे हटाना, यानी कि क्रीजेज हटाना कपड़ों से। ठीक है, वस्त्रों को प्रेस करना, स्टीम आयरन, कोयले की इस्त्री, गैस की इस्त्री। आजकल आप देखोगे कि जो धोबी खड़े होते हैं वो उनके यहाँ से एक पाइप जा रहा होता है, एक छोटा सा वो सिलेंडर लगाते हैं जिस सिलेंडर के ऊपर क्या है अटैचमेंट होती है, और यहाँ से जो है सिलेंडर को वो जब ऑन करते हैं तो आपकी इस्त्री चलती है, यानी कि कोई आपकी इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं होता है। यहाँ पे जो है वो आपका गैस सिलेंडर का यूज होता है। ठीक है गर्ल्स, आई बात समझ में? तो ये आपके चार तरीके की प्रेस है, जो हम घर में नॉर्मली प्रेस यूज करते हैं वहां पे हम बिजली का उपयोग करते हैं। ठीक है, और जो कोयले की प्रेस होती है इसके अंदर जो होता है कोयला भर देते हैं, जैसे जैसे धोबी को लगता है कि इसमें ज़्यादा गर्म चाहिए या कम गर्म चाहिए तो वो उस हिसाब से कपड़े प्रेस करता रहता है, और उसमें से धीरे धीरे आपने देखा होगा तो वो कोयला निकालता रहता है साइड पर खड़े होके, कि जो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर उसको कपड़ा चाहिए गर्म होना चाहिए उसी टेम्परेचर पर वो प्रेस द्वारा जो है कपड़ा गर्म करे। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी धोबी। धोबी जो है ये सबसे बहुत पुराना टाइम है, ये राजा महाराजों के टाइम से जो होते धोबी है, इनका मेन काम क्या होता था, अगर मेन काम क्या होता था क्या होता है वो भी यही है कि कपड़े ले जाना, कपड़े धोना, इस्त्री करना वगैरह वगैरह। नॉर्मली क्या होता है जो कपड़े होते हैं
जो हमें रोज डेली यूज में हम करते हैं वो हम खुद धो लेते हैं। पर आजकल क्या है, काफी लोग वर्किंग है तो उनको लगता है कि टाइम वहां पे ना लगा के वो कपड़े जो है धोबी को दे देते हैं। धोबी क्या करते हैं, उनके कपड़े आके घर से कलेक्ट कर लेता है, उनके धो भी देता है, धोने के बाद प्रेस करके उनको वापस दे जाता है। कितने कपड़े लगे वो काउंट करके ले जाता है और काउंट करके दे जाता है। हिसाब किताब कई लोग मेंटेन करते हैं, प्रॉपर डायरी वगैरह उसमें होता है। इसके अलावा कई बार धोबी नॉर्मल कपड़े भी ले जाता है, फिर भी घर में होता है कि वर्किंग है, हमारे पास टाइम नहीं, आप घर के रेगुलर वाले कपड़े भी ले जाओ। और जो एक्सपेंसिव कपड़े हैं, जो महंगे कपड़े हैं जिनको धोना मुश्किल है, लहंगे हो गए, आपकी साड़ियाँ हो गई, वो भी कर लेते हैं। पर ये धोबी जो होते हैं वो लॉन्ड्री का काम भी करते हैं। लॉन्ड्री में क्या होता है, आपके जो महंगे कपड़े होते हैं जिनकी धुलाई बहुत मुश्किल है, जैसे कोट पैंट साड़ियाँ हो गई, जो आपके वर्क वाले होते हैं, जो दोजी वर्क हो गया है, कोई भी वर्क वाले हैवी कपड़े होते हैं जैसे कि लहंगे वगैरह, उसके लिए भी धोबी क्या करते हैं, उनके लिए प्रॉपर जगह बनी होती है। आपके घर के आसपास भी कोई ना कोई धोबी घाट होंगे, वो धोबी घाट क्या रहते हैं, सारे कपड़े वहाँ ले जाते हैं। उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से, जिसको हिंदी में हम कहते हैं होदियाँ बनाई हुई होती हैं, उसमें पानी भरते हैं और वो खंगालते हैं कपड़े, वहीं पे धोते हैं, वहीं पे सुखाते हैं और वापस ले आते हैं और आपके घर पे जाके पहुँचा देते हैं प्रॉपर स्टीम प्रेस करके। नेक्स्ट है ड्राई क्लीनर्स। ड्राई क्लीनर्स जैसे मैंने आपको बताया था लॉन्ड्री का ही काम करते हैं। लॉन्ड्री में आजकल आपने देखा होगा बहुत जगह ड्राई क्लीनर्स होते हैं। ड्राई क्लीनर्स का भी वही काम होता है, जो एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं उनको जो है घर से ले जाते हैं और उनको ड्राई क्लीन करके लोगों को दे देते हैं। ड्राई क्लीन में क्या होता है, धुलाई करना, प्रेसिंग करना, इस ड्राई क्लीनर जो होते हैं रफ करना, कहीं से कोई कटा फटा है उसको भी ठीक करना, कई जगह जो है आपकी डाइंग का काम भी करते हैं ये लोग, कि रंगवाना है या कुछ और करवाना है, रफू का काम भी करते हैं। इसमें क्या होता है कि ड्राई क्लीनर जब से आए हैं, जब से ये शॉप्स वगैरह खुली हैं, इसमें ये एडवांटेज है कि आपको बहुत अच्छी वैरायटी, अच्छी तरीके से जो है धुलाई प्रेसिंग वगैरह इजीली मिल जाती है, ठीक है। और प्लस ये घर से ले जाते हैं, घर पे दे जाते हैं, तो वो भी सुविधा अवेलेबल है, तो लोगों को ये ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है गर्ल्स। तो ये आपके चार टॉपिक्स हैं कि जो कि आपके सुखाने के उपकरण और प्रक्रिया से रिलेटेड है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी बुक में पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चाहें तो इस टेबुलर फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं और कर सकते हैं, आपको बेनिफिट रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ लो। गर्ल्स मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है या आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तब भी आप मुझे कमेंट जरूर करो। आप लोगों की कोई कमेंट नहीं आती और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपका अपडेशन आ जाएगी। कई बच्चों को अभी तक नहीं पता कि उनका मेरा चैनल है, तो इसलिए प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लो बेटा, आपके लिए बेनिफिट है। ये आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन में भी हेल्प करेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी जो है अपने इसके नोट्स भी बनाने हैं अपने रजिस्टर पे।